अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मुमताज़ न्यूज़ और मैं हूं जमीला। खबर शामिल करते हैं डिप्टी ब्यूरो चीफ मोहम्मद रफ़ी गुजर की रिपोर्ट के मुताबिक मंडी बहाउद्दीन डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद शाहिद ने साल नौ की आमद पर अहलियान मंडी बहाउद्दीन को मुबारकबाद दी है और उनके लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया है। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद शाहिद ने साल नौ की आमद पर अपने पैगाम में कहा है कि 2022 हम सब के लिए उम्मीद की किरण लाएगा, लेकिन हमें साल नौ के आगाज़ पर अपनी गुज़िश्ता बरस की कामयाबियों और नाकामियों का जायजा लेना होगा। नया साल एक बार फिर नई उम्मीदें लिए हमारी जिंदगियों में कदम रख रहा है। हम अपने वतन के लिए कुछ कर दिखाने के जज्बे से नए साल का खैर मकदम करते हैं ताकि नए साल में अपनी कोताहियों को दूर करने की कोशिश करें। वक्त का ये अहम तकाजा है। मेरी दुआ है कि साल नौ हमारे लिए खुशियां और सलामती लाए। डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि जिले इंतजामिया आज के दिन मंडी बहाउद्दीन के शहरियों के मसाइल के फौरी हल के लिए आज़म की तजदीद करती है।